हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो चलिए, ये वीडियो है कल का कंटिन्यूएशन और सुबह मैंने बना ली है मशरूम की सब्जी और खाना पीना हमारा हो चुका है, काम भी सारा ख़त्म हो चुका है और टाइम यहाँ हो चुका है 4:30 बज चुके हैं। बर्तन वर्तन सारे अच्छे से सूख चुके हैं और शाम की अभी मेरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और शाम को 4:30 बजे ही मैं शाम के खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और आज तो आपके साथ में सुखड़ी की रेसिपी भी शेयर करनी है, तो बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगा दूँगी बर्तन और उसके बाद में तैयारी करूँगी सुखड़ी बनाने की और उसके बाद में मुझे जाना है सब्जी लेने, क्योंकि सब्जी अब एक भी घर में है नहीं तो उसे भी लाना है। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले बर्तन लगा रही हूँ और बर्तन लगा देने के बाद में आपके साथ में शेयर करूँगी फुल प्रूफ सुखड़ी की रेसिपी, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो यहाँ बर्तन लगा चुकी हूँ। तो चलिए, यहाँ सुखड़ी के लिए जो मैं आपके साथ में मेजरमेंट शेयर कर रही हूँ वो फुल प्रूफ है। तो यहाँ देखिए, मैंने एक कटोरी का नाप लिया है, बस उसी कटोरी के मेजरमेंट से ही सारी चीज़ें लेनी है। यहाँ एक कटोरी गेहूँ का मोटा आटा लिया है, सामने ही लिया है मैंने एक कटोरी घी और आधे कटोरी जितना ये है कटा हुआ गुड़, देसी गुड़ है ये, और साथ में ही मैंने कटे हुए पिस्ता और बादाम लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और तकरीबन 2 चम्मच जितने, 1 या 1.5 चम्मच जितना, 2 चम्मच जितना है ये तिल, डेकोरेशन के लिए ऑप्शनल है, पसंद है तो डालिएगा। और ये है एडिबल गम, गोंद जिसे कहते हैं, और ये आज की सुखड़ी में मैं नहीं ऐड करने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। और 1 कप गेहूं के आटे के अंदर तकरीबन 2 चम्मच जितना गोंद लीजिएगा और उसे पीस करके आपको ऐड करना है। तो चलिए, यहाँ मैंने गोंद भी ले लिया है आपको दिखाने के लिए। तो अगर आपको पसंद है तो 2 चम्मच गोंद लीजिएगा और उसे मिक्सी चला करके उसे पीस करके रेडी रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ अभी गोंद को रख देते हैं एक तरफ और इतनी ही सारी चीज़ों से मैं बनाने वाली हूँ आज गुड़ पापड़ी। तो चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं। और जिस भी बर्तन में आपको गुड़ पापड़ी सेट करने रखना है, सबसे पहले उसे ग्रीस करके रेडी रखना है। तो यहाँ मैं टीन में लगा दे रही हूँ घी और अच्छे से फैला करके रख देंगे। और उसके बाद में एक मोटे तले वाला बर्तन लेना है, मैंने ली है मोटे तले वाली कढ़ाई और गैस की फ्लेम रखनी है एकदम स्लो। और उसके बाद में डाल देना है 1 कटोरी गेहूं का आटा, यहाँ मैंने गेहूं का मोटा आटा लिया है। और अगर आपके पास में गेहूं का मोटा आटा नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गेहूं का मोटा आटा नहीं है तो रेगुलर वाला रोटियों वाला आटा लीजिएगा और उसमें से 1 चम्मच जितना आटा निकाल दीजिए और उसकी जगह पे 1 चम्मच जितनी सूजी डाल दीजिए, तो हो गया आपका गेहूं का मोटा आटा। और उसके बाद में उसे करना है भुनाई, उसको तब तक भूनना है आपको सूखे आटे को जब तक कि उसमें से रॉ स्मेल निकल ना जाए और हल्का हल्का सा आटा गुलाबी रंग का सेक करके तैयार ना हो जाए। वैसे तो आप ये सारी सिकाई घी डालने के बाद में भी कर सकते हैं, घी के साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आप पहले अगर आटे को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, सेक लेते हैं, तो उसके बाद में आपको घी का मेजरमेंट एकदम परफेक्टली अंदाज आ जाता है। ये मैंने बनाते बनाते सीख लिया है। तो और कई जगहों पे मैंने देखा है कि घी डालने के बाद में आटे को सेका जाता है, लेकिन मैं पहले ही आटे को इस तरह से हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, बातों ही बातों में हल्का हल्का सा कलर ले चुका है आटा और अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड करने वाले हैं घी, और यहाँ 1 कप जितना मैंने घी लिया है तो उसे 2-2, 3-3 चम्मच ऐड करके मैं आटे में अच्छे से मिक्स करते जाऊंगी और जितनी जितने आटे में ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से यहाँ मैं घी ऐड करूंगी। और ये मुझे बहुत ही इजी लगता है और इस तरह से बनाने से क्या है ना कि सुखड़ी में घी ना ज़्यादा होता है ना कम होता है और सुखड़ी एकदम परफेक्टली बन करके तैयार होती है।
तो यहाँ देखिए घी डालते जा रही हूँ और अच्छे से मिक्स करते जा रही हूँ, क्योंकि गेहूं का आटा भी अलग अलग कंपनियों का और अलग अलग गेहूं रहते हैं, तो कई बार कोई गेहूं के आटे में बहुत ज़्यादा घी डालना पड़ता है, सोख कर लेता है आटा, और कई आटे ऐसे भी होते हैं गेहूं के जो बहुत ही कम घी सोख करते हैं, तो इस वजह से ही यहाँ आप थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड कीजिएगा और फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आ जाए तब तक आपको यहाँ घी ऐड करना है और आटे को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिक्स करते हुए आटा बहुत ही अच्छे से अभी घी में मिक्स हो चुका है और उतना ही घी हमें ऐड करना है, और इसमें अब मैं एक और चम्मच जितना घी ऐड कर दूँगी। और अगर आप गोंद ले रहे हैं तो ये जो 1.5 से 2 चम्मच जितना घी बच चुका है वो भी आप यहाँ ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ मैं गोंद नहीं डालने वाली हूँ, इसकी वजह से मैं यहाँ एक्सेस घी जो है उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप गोंद ऐड करने वाले हैं तो प्लीज़ ये सारा का सारा घी जितना है ना, और 2 चम्मच वो भी यहाँ ऐड कर देना। और उसे अब करना है भुनाई, उसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक कि आटे में से एक सौंधी सी महक आनी शुरू ना हो जाए, तब तक आपको इसे सेकना है और आटा भी एक बहुत ही अच्छा सा गुलाबी सा रंग ना ले ले तब तक आपको इसे भूनना है। और ये सारी की सारी प्रोसेस आपको एकदम ही स्लो गैस पे करनी है, गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल भी फुल नहीं करनी है, और ये सारी प्रोसेस को तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाती है। अगर आप ज़्यादा आटा ले रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ एक ही कप आटा लिया है। तो यहाँ देखिए भुनाई करते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आटा बहुत ही अच्छे से देखिए धीरे धीरे से कलर लेना शुरू हो चुका है, और आप देख सकते हैं आटा बहुत ही अच्छे से सेक करके तैयार हो चुका है। बस इसी स्टेज पे आपने जो गोंद पीस करके रखा होगा ना, तो इसी स्टेज पे आपको इसमें आटे में ऐड कर देना है। यहाँ मैंने गोंद ऐड नहीं करना है, उस वजह से ही यहाँ देखिए ये जो घी बचा हुआ है ये भी आपको डाल देना था और साथ में गोंद भी डाल देना है, और गोंद डालने के बाद अच्छे से आटे में मिक्स कर देना है जब तक कि आटे में गोंद फूल ना जाए, और उसके बाद में गैस को कर देना है बंद। और गैस बंद कर लेने के बाद में ये जो गुड़ हमने कट करके तैयार किया है उसे हम इस आटे में डाल देंगे और कर देंगे अच्छे से मिक्स, और तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये गुड़ अच्छे से आटे में मिक्स ना हो जाए और अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और अगर आप पाउडर गुड़ ले रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से आप मिक्स कर पाएंगे। यहाँ मैंने कट किया हुआ गुड़ लिया है तो उसे अच्छे से चम्मच की सहायता से अच्छे से आटे में मिक्स कर दूंगी, और जिस बर्तन में हमें गुड़ पापड़ी बनानी है सेट करने रखनी है उसमें हम ये मिक्सचर डाल देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद में। तो चलिए मुझे करनी है इस टिन में सेटिंग सुखड़ी की, तो उसमें मैंने डाल दिया है ये सारा मिक्सचर और चम्मच की सहायता से उसे अच्छे से सेट करेंगे। और आपको कितनी थिक गुड़ पापड़ी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ देख लीजिएगा, और मैं इस तरह से कटोरी से और चम्मच से इसे अच्छे से फ्लैट कर रही हूँ। आपको जिससे जमता है उस हिसाब से आप यहाँ गुड़ पापड़ी को सेट कर दीजिएगा, और सेट कर लेने के बाद में आपको कितनी थिकनेस चाहिए वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, और अच्छे से सेट कर लेने के बाद में उसमें कटोरी से इस तरह से दबा करके रेडी कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ना घी ज़्यादा है ना कम है, एकदम परफेक्टली बन करके तैयार हुई है। और यहाँ गुड़ पापड़ी अभी गर्म ही है, उसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे ऊपर से कटे हुए नट्स जो हमने तैयार करके रखे हैं, पिस्ता और बादाम, उसे भी अच्छे से डाल देंगे और फैला देंगे। और जो तिल लिए हैं उसे भी हम थोड़ा बहुत उसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, अगर आपको पसंद है तो तिल डालिएगा अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, मेरे घर में पसंद किए जाते हैं तो बस मैं यहाँ डाल रही हूँ। बस हाथों से 2 बार मैंने हल्के हल्के से डाले हैं, और हाथों को उल्टा इस तरह से टैप करते हुए दबा दीजिए जिससे ये तिल और ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे से गुड़ पापड़ी पे चिपक जाए। और अभी गुड़ पापड़ी हल्की हल्की सी गर्म है, उसी स्टेज पे हम इसमें कट लगा करके तैयार करेंगे,
क्योंकि इसे ठंडा कर लेने के बाद में अगर आप कट लगाएंगे ना तो ये सारी की सारी फैल जाएगी और अच्छे से कट भी नहीं होगी। तो यहाँ हमें सिर्फ कट लगा करके रख देना है और उसके बाद में इसे हमें ठंडा हो जाने के बाद में ही इसे निकालना है। तो चलिए यहाँ आपको जो भी शेप में जो भी साइज में पसंद है उस हिसाब से यहाँ आप कट लगा दीजिएगा। किसी को डायमंड शेप का पसंद आता है तो किसी को स्क्वायर शेप का पसंद आता है, तो यहाँ मैंने स्क्वायर शेप दे दिया है, कट कर दिया है और अब इसे हम सेट करने रखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 चम्मच जितना घी बच चुका है। तो ये अगर मैंने गोंद लिया होता, अगर डाला होता इसमें, तो ये सारा का सारा घी इसमें ऐड हो जाता। और यहाँ मैंने, गौर कीजिएगा कि मैंने गोंद नहीं डाला है। तो चलिए सुखड़ी बना ली है और सुखड़ी ठंडी भी हो चुकी है और इस बीच में मैं लेके आ चुकी हूँ मैं सब्जी। तो चलिए पहले देख लेते हैं सुखड़ी को, जिसे गुड़ पापड़ी भी कह सकते हैं और सुखड़ी भी गुजराती में सुखड़ी कहते हैं और हम नॉर्थ इंडियन राजस्थानी उसको गुड़ पापड़ी कहते हैं और मोस्टली त्योहारों में माता को भी चढ़ती है जिसमें हम गोंद नहीं यूज़ करते हैं, गोंद नहीं डालते हैं। लेकिन जब आप ठंडी के दिनों में अगर आपको करने खाने का मन हो तो आप उसमें गोंद डाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ गुड़ पापड़ी को सेट करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे और यहाँ आपको मैं सुखड़ी भी कट करके दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए बहुत ही इजीली कट हो जाती है, अगर आपने कट लगा दिए है ना पहले से ही तो बहुत अच्छे से कट हो जाएगा, लेकिन अब ठंडा होने के बाद में अगर आप कट लगाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से सिर्फ कट लगा करके उसे छोड़ दीजिए और जब एकदम से ठंडी हो जाए तब उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए गुड़ पापड़ी बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है, मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया है और बहुत ही इजी बन जाती है और घर के इंग्रेडिएंट से ही ये बन जाती है। तो चलिए एक और मैं आपको यहाँ तोड़ करके दिखा देती हूँ और ये आपके मीठेपन को कभी कभी आपको चाहिए, मीठा पसंद है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और ये घर से ही सारी चीज़ों से बन जाती है और बहुत ही झटपट बन जाती है। और ये स्पेशली है मेरे उस सब्सक्राइबर के लिए जिसने गुड़ पापड़ी की रेसिपी मुझसे शेयर करने के लिए कहा था, वो है रोली सिंह। तो ये रेसिपी स्पेशली उनके लिए है और उन सभी के लिए भी है जो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिएगा गाइस सब्सक्राइब। ऐसी ही नई नई वीडियो फिर आपके साथ मैं ले आऊँगी। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और अपने घर पे ज़रूर से बनाइएगा और आपका एक्सपीरियंस भी मेरे साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। एक्चुअली गाँव से आने के बाद बहुत ही बिजी चल रही थी, उसी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी और आने के बाद इतने सारे काम थे कि बहुत सारे कपड़े भी हो चुके थे और इस बार तो मैंने चावल भी, हर साल तो मैं बहुत जल्दी ही भर लेती हूँ, जनवरी के एंड तक तो आ ही जाते हैं, दिसंबर एंड में आ ही जाते हैं चावल, लेकिन मैं जनवरी के मिड में ही भर लेती हूँ। लेकिन इस बार कुछ भी टाइम ही नहीं मिला कुछ भी एडजस्ट करने के लिए, बस बिल्कुल भी समय ही नहीं मिला कि जिस वजह से मैं कुछ चावल दाल कुछ भर सकूं। बस इस बार तो मैं सब कुछ लेकर के आ गई हूं लेकिन सारी चीज़ें मेरी फैब के एंड में आ गई है और दालें जो आती है वो जनवरी के एंड तक आ ही जाती है, लेकिन इस बार मेरे चावल दाल सारी की सारी चीज़ें लेट हुई है। और मार्च और अप्रैल आते आते होली के बाद में गेहूँ वगैरह भी आ जाते हैं तो वो भी भरने अभी बाकी है, मसाले करने हैं, बहुत सारे काम हैं और इतने सारे काम हैं, ऊपर से एग्ज़ाम भी है, तो ये सारी चीज़ें करते करते क्या है ना बहुत ही बिजी शेड्यूल में चल रही थी और ऊपर से कहीं जाओ और आओ तो जाने के समय भी उतना ही काम रहता है और आने के बाद में भी उतना ही काम हो जाता है। तो चलिए अब वापस रूटीन में आ जाते हैं, अब से वापस मैं आपके साथ में डेली बेसिस पे वीडियो शेयर करूँगी और रेसिपी शेयर करूँगी। और मशरूम की सब्ज़ी आप ज़रूर से बनाइएगा, इस तरह से ये बहुत ही एकदम इजी भी बन जाती है और बहुत फटाफट भी बन जाती है। तो चलिए अब तो मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल सिंपल वाले, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा भूख भी नहीं है
तो सोचा कि आज दाल चावल बना लेती हूँ और सब्जी बहुत सारे लेकर के आई हूँ, तो उनको भी मुझे क्लीन करके सफाई करके फिर रखनी है और आपको मैं दिखाती हूँ। और हाँ, गांव से मैं एक और चीज़ लेके आई हूँ जो मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई है। वैसे तो मैंने सब्जी एक बार बनाई थी जिसका शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, वो तो मैंने अपने चैनल पे आपके साथ में शेयर कर दिया है। तो मैं लेके क्या आई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं लेके आई हूँ इस बार हांडी गाँव से, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी साइज़ की है, मुझे छोटी साइज़ की चाहिए थी लेकिन छोटी साइज़ अब उनके पास थी नहीं, तो बस मुझे इस तरह से बड़ी ही लेनी पड़ी थी। और इस तरह की जो हम तो इसको तुलकी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। और इसमें सब्जी कढ़ी दाल इसमें बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मैंने सोचा इस बार मैं लेकर के जाती हूँ। और इसमें मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो आपके साथ में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, राजस्थानी दही वाले आलू। और उसके बाद में मैंने एक बार उसमें ढोकली बनाई थी, तो बस वही उसकी वजह से और काफ़ी सारा ऐसे मैश हो रखा है। और इसको मैंने क्लीन भी कर लिया है। और उसको किस तरह से क्लीन करते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। और यहाँ पर रख दी है मैंने सारी चीज़ें, दाल वगैरह जो लेकर के आई हूँ उन सब को मुझे अभी जगह पर रखना है। और सब्जी लेके आई हूँ भी, आप देख सकते हैं बहुत सारी सब्जियां हैं, तो उन्हें भी मुझे क्लीन करना है। और ये है चावल जिसे मुझे क्लीन करना है। तो चलिए, सारी चीज़ें मैं जब भरूंगी तब आपके साथ में शेयर करूंगी मैं किस तरह से भरती हूँ। और सब्जी क्लीन करूंगी, खाना बनाऊंगी। और ये है मेरे गांव की परचेज जो यहाँ पर तो काफ़ी महंगी मिलती है और वहाँ मुझे बहुत काफ़ी सस्ते मिल चुकी है। तो चलिए, आज की वीडियो थी यहीं तक की। शायद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।